इसको कभी नहीं वोट देंगे, वोट जाया कर देंगे लेकिन इसको नहीं देंगे। इस दफा उसको वोट कभी भी नहीं देना हमने, इस चीज़ पे घबरा तो हम गए हुए हैं कब के। मैसेज यही है कि अगली दफ़ा अकल से काम ले ले वहाँ, और इसको तो बिल्कुल ही वोट ना दे यार। मैंने खुद इमरान खान को वोट दिया, लेकिन मैं अब इस हक में नहीं हूँ कि इसको दोबारा वज़ीर आज़म बनाया जाए। इसने तो बेरा घर करके रख दिया ना मुल्क का, महंगाई ऊपर से कहता गरीब को, कहता घबराना नहीं है, तो गरीब बेचारा क्या करे। उसको भी वोट नहीं देना, इमरान खान को भी नहीं देना, और नवाज किसी को भी वोट नहीं देना है, क्योंकि भाजी कोई भी है ना इस काबिल है ही नहीं कि हम उसको वोट दें। उम्मीद कब की खत्म हो गया, मेरे हाथ से पिछले एक साल पहले की उम्मीद खत्म कर दी। मैं हूँ मेरे दोस्त, हमने मैंने दोस्त को भी कहा था कि यार आपने उसी को वोट देना, मगर वो वाला कोई मामला नहीं है बिल्कुल, उसने बहुत नकम्मी उसकी हुकूमत है। वो कहता है तो ठीक है, लेकिन टाइम तो वो कहते हैं अभी 3 साल हुए हैं, 2 साल में कुछ ना कुछ महंगाई का वो कर लेंगे इंशाल्लाह। वालेकुम सलाम। इमरान खान कहते हैं 2 साल मुश्किल के रह गए, घबराना नहीं है, क्या कहते हैं इस बारे में आप? इस बारे में यही है कि बहना अगली दफ़ा उसको वोट कभी भी नहीं देना हमने, इस चीज़ पे घबरा तो हम गए हुए हैं कब के। क्यों उनको वोट क्यों नहीं देना? यही है बहना जी, आप पेट्रोल देखे 130 रुपये का लीटर हो गया, कभी गया ही नहीं है पाकिस्तान में 130 रुपये का लीटर पेट्रोल। लेकिन पीटीआई के मुताबिक तो इस खत्ते में सबसे सस्ता पेट्रोल पाकिस्तान में। अच्छा जी, पाकिस्तान में सबसे सस्ता पेट्रोल, आपने पहले कब कितने का ली थी पेट्रोल आप बता दें। ये तो पीटीआई कहती है ना, तो पीटीआई कहने पीटीआई तो और बहुत कोई पीटीआई कहते हैं घबराना भी नहीं है, वो तो हम घबरा रहे हैं आपके सामने ही है, तो अभी कस्टमर देख ले आपके सामने किसी को भी पूछ ले सब घबराए हुए हैं बहना जी। ये चीज़ें तो बहुत देर की खत्म हो गई है कि आप कह रहे घबराना नहीं है वो वाले, ये तो अब काम ही खत्म हो गया बहना। अब जो उनके पास 2 साल हैं, कोई उम्मीद क्यों नहीं है आपको? उम्मीद कब की खत्म हो गया, मेरे हाथ से पिछले 1 साल पहले की उम्मीद खत्म कर। आपने वोट किसको दिया था? इमरान खान को दिया था मैंने। तो वोट देख कितने इतने ना उम्मीद लग रहे हैं आप? बिल्कुल इधर यहाँ मैं हूँ मेरे दोस्त, हमने मैंने दोस्त को भी कहा था कि यार आपने उसी को वोट देना, मगर वो वाला कोई मामला नहीं है बिल्कुल, उसने बहुत नकम्मी उसकी हुकूमत है बिल्कुल नकम्मी। तो अब आप किसको सोच रहे हैं कि मुल्क में हुकूमत किसको आनी चाहिए? देना ही नहीं किसी को, मतलब वोट जाया करते हैं? हां देना ही नहीं है। नवाज शरीफ के बारे में क्या ख्याल है? उसको भी नहीं देना, उसको भी वोट नहीं देना, इमरान खान को भी नहीं देना, और नवाज किसी को भी वोट नहीं देना है, क्योंकि भाजी कोई भी है ना इस काबिल है ही नहीं कि हम उसको वोट दें। कोई भी इधर ऐसा हुक्मरान हमारी नज़र में नहीं है जो दुकानदार है कि वो कहे कि यार ये बंदा ठीक था, उसको भी नहीं देना, इसको तो बिल्कुल ही नहीं देना बहना, ये तो काम ही खत्म कर दिया। अगर 2 साल में वो हालात बेहतर कर लेते हैं फिर आप वोट देने का सोच सकते हैं? बहना नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, आपने देना ही नहीं है बिल्कुल, ना बिल्कुल ही नहीं देना उसने, बिल्कुल कुछ भी नहीं करना बहना जी। होता तो अभी तक कुछ ना कुछ कर देता, चलो दाल ही सस्ती कर देता, पेट्रोल चले ऊपर जाता, कोई भी चीज़ नहीं है। घी देखे 380 रुपये का किलो हो गया हुआ है बहना, 160 का आता था, कोई इतना फर्क नहीं है ये साल के अंदर ऐसे हुआ है, और कह रहा था कि हमने सब कुछ सस्ता करना है, कुछ भी नहीं सस्ता किया, कोई एक चीज़ बताएं हमें कि उसने सस्ती की हो, कुछ भी नहीं है। हम 300 का सूट लाते हैं ना, उसके ऊपर 400-400 रुपये रेट बढ़ गया हुआ है, 300 वाली चीज़ पे 100-200 नहीं 400 रुपया 700 की मिलती है हमें अब। तो कोई मैसेज देना चाहते हैं हुकूमत? मैसेज यही है कि अगली दफ़ा अकल से काम ले ले वहाँ, और इसको तो बिल्कुल ही वोट ना दे यार बहना। इमरान खान अभी भी कह रहे हैं कि घबराना नहीं है, क्या कहते हैं इस बारे में? जी मैंने खुद इमरान खान को वोट दिया, लेकिन मैं अब इस हक में नहीं हूँ कि इसको दोबारा वज़ीर आज़म बनाया जाए। इसने तो बेरा घर करके रख दिया ना मुल्क का, महंगाई ऊपर से कहता गरीब को, कहता घबराना नहीं है, तो गरीब बेचारा क्या करे। तो बिल्कुल हक में नहीं हूँ इसको, आइंदा 2 दफ़ा कास्ट किया मैंने पीटीआई को वोट, लेकिन अब दोबारा नहीं। 2 दफ़ा पीटीआई को वोट दिया और अब आप इतने गैर मुतमईन हैं? जी बिल्कुल, अब इसको कभी नहीं वोट देंगे, वोट ज़ाया कर देंगे लेकिन इसको नहीं देंगे। तो अभी उनके पास 2 साल हैं, हो सकता है कि वो तब्दीली ले आए? हम कोशिश कर रहे हैं कि ये 2 साल से पहले चला जाए। आपको लगता है वो जाएंगे? उम्मीद है चला जाएगा, जो हालात कर दिए इसने मुल्क के, उम्मीद है चला जाएगा, जान छूट जाएगी इससे। इमरान खान कहते हैं कि 2 साल मुश्किल के रह गए, घबराना नहीं है, क्या कहते हैं इस बारे में आप? वो कहते हैं तो ठीक है, लेकिन वो जो ठीक है बंदा वो गलत नहीं है, लेकिन बर्दाश्त तो करना पड़ेगा, तुर्की ने भी किया था, तुर्की ने भी 7 साल बर्दाश्त किया था। जैसे वो कहते रहते हैं घबराना नहीं है, तो आपको लगता है घबरा लेना चाहिए? नहीं मेरा नहीं ख्याल घबरा लेना चाहिए, मेहनत करें, आप भी मेहनत करें, हम भी मेहनत करते हैं। 3 साल हो गया उनकी हुकूमत को, अभी तक कितने वादे पूरे हुए हैं? वादे तो तकरीबन
अभी तक जो मेन मसला है वो महंगाई का ही है, महंगाई का वो इशू है, बाकी है। क्या चाहते हैं इस हुकूमत से, 5 साल पूरे करें या फिर चले जाएं? नहीं, टाइम तो मिलना चाहिए, टाइम तो वो कहते हैं अभी 3 साल हुए हैं, 2 साल में कुछ ना कुछ महंगाई का वो कर लेंगे इंशाल्लाह। आपको उम्मीद है? बिल्कुल है। लेकिन काफ़ी लोग कह रहे हैं कि 3 साल में कुछ नहीं कर पाए, वो अब 2 साल में क्या कर लें? टाइम लगता है, कोई भी काम करने में टाइम लगेगा। हमारे नबी पाक ने जो है ना 63 साल जो है ना 40 साल में उन्हें नबूवत हासिल हुई, फिर 23 साल उन्होंने उस पे जो है ना लोगों को गाइड किया, कितने बंदे मुसलमान हुए वो देख लें आप, सारा लिखा हुआ। मतलब कि आपको पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह अगली दफ़ा फिर इमरान खान को वोट देना पसंद करेंगे? इंशाल्लाह ज़रूर।